इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो आपने जो शेयर किया क्वेश्चन, आई कैन सी इस क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 ऑफ गेम 3, है ना? तो पहले उसी को टेकअप करते हैं। गेम 3 की बात कर रहे हैं आप। गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20। सेवेंटीन क्वेश्चन क्या है जी, लेट मी चेक। ओके जी, ओके, इधर। सेवेंटीन क्वेश्चन में बोला गया 2.003√3 विद अनदर पॉइंट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है 0.0 और एक पॉइंट है 3.√3। तो ठीक है जी, हमने 0.0 मार्क कर दिया, वो तो ओरिजिन ही है, और 3.√3 इज ऐसा कोई एक पॉइंट होगा इधर कहीं ऐसा। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये दो वर्टेसेस हैं, तो तीसरी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। तो वैसे तो कई सारे तरीके हैं। मान लो ये पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ओ, दिस पॉइंट इज ए एंड थर्ड वर्टेक्स इज बी, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थर्ड वर्टेक्स विल बी ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए। तो मैं अगर ओ और ए लाइन का राइट एंगल बाइसेक्टर मार्क करूं, इसी बाइसेक्टर पर थर्ड वर्टेक्स होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी ऑन अब लाइन हो या बिलो द लाइन हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैंने बोला कि सपोज करो हमें नहीं पता क्या है, तो हमने मान लिया ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट सी को, या जो भी इसका नेम दे दो, बी पॉइंट दे रहा है ना, और इसको मैं ज्वाइन कर दूं विद, तो मान लो ये पी है और ये पॉइंट इसी तरह से क्यू हो गए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है? दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज, कैन यू राइट दी कोऑर्डिनेट विद दिस इंफॉर्मेशन? यस, कर सकते हैं। कैसे करें, कैसे किया जाए इसका? तो देखो, ये ओए लाइन जो है, ओए इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ ओए? तो ये बिकॉज 3.√3 पॉइंट है, तो इसका स्लोप हो जाएगा √3 - 0। ये ओरिजिन है ना, 0.0, तो √3 - 0/(3 - 0). एक्चुअली इट इज 1/√3। इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल हुआ, ये एंगल कितना हुआ? ये हुआ 30 डिग्री, और इसी के ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, 30, 60। तो ये एंगल कितना हुआ? ये 90 है। तो ये एंगल कितना हुआ? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हम निकाल सकते हैं ना, ये एंगल कितना, जल्दी बोलो, 30, 60, तो 120 हुए, 120 डिग्री। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू टैन 120 डिग्री, इट इज -tan 30 डिग्री, -tan 60 डिग्री, मतलब -√3। अब देखो, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। उनमें से एक तरीका था कि इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं,
और ये वाला पॉइंट को हम अज्यूम कर सकते हैं वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और ये डिस्टेंस को आप मेजर कर लेना और ये वाले डिस्टेंस के इक्वल कर दो तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। चलो सोचो सोचो करके देखो, फटाफट करके देखो जल्दी से। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओए है, तो ए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? 3/2 का √3/2। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखना हो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या लिख सकते हैं हम? और ओए लेंथ क्या है? व्हाट इज लेंथ ओए? ओए डिस्टेंस क्या होगी? ओ से ए की डिस्टेंस 9 + 3, दैट इज √3। √3 डिस्टेंस है ये, तो ये डिस्टेंस भी 2√3 है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फटाफट निकालो, ये पीएम डिस्टेंस। तो पीएम डिस्टेंस क्या होगा? तो ओ ए sin 60, पीएम अपॉन ओ ए इज इक्वल टू sin 60। sin 60 मतलब √3/2। देयरफॉर पीएम लेंथ इज इक्वल टू ओ ए मतलब 2√3 इंटू sin 60 मतलब √3/2, ये आ जाएगा 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट है और हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ ओए क्या होगा? एक्स ये मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है, x − 3/2 अपॉन cos 120। cos 120 इज -½ इज इक्वल टू y − √3/2 अपॉन sin 120 इज √3/2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस r है 3, तो ±3 कर दो, 3 और −3। कौन सा फॉर्म हमने लाइन का यूज किया? ये पैरामेट्रिक फॉर्म। मैंने बताया था ना कि अगर कोई पॉइंट लाइन पर गिवन हो और उस पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर अलोंग द लाइन किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म सबसे बेस्ट होगा। 3 लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, -3 लेंगे तो नीचे वाला क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। चलो यहां से कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ, फटाफट जल्दी से कैलकुलेट कर लो। बताओ अगर मैं 3 लेकर करता हूं तो क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -3/2 +3/2 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स एक्स इज −½ × 3, −3/2 +3/2। वाई कोऑर्डिनेट इस वाले से आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3√3/2 +√3/2, तो वाई विल बी इक्वल टू 3√3/2, दिस मल्टीप्लाइज टू 3 + 3/2 +√3/2, वेरी सॉरी √3/2, इट इज इक्वल टू एक्चुअली 4√3/2, 4 × √3/2, या इसी को 2√3 भी बोल सकते हैं, 2√3। तो एक्चुअली क्या हुआ, वैसे ये इक्वेशन ये सब करने के बजाय भी हो गया था, ठीक है, बट अभी जब कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब मैं बताता हूँ कि क्या चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। तो ये एक वर्टेक्स तो आ गया 0, 2√3, और दूसरा वर्टेक्स भी आ जाएगा अगर -3 लेके करेंगे तो। अब जरा वापस आओ इस क्वेश्चन पे, और ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपको दिया मैंने स्लोप के कॉन्सेप्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट उस समय तक आपको नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इजंट इट? तो उसके लिए हमने बोला कि देखो ध्यान से इसको हटा दो, इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब ये भी छोड़ दो। सबसे पहले तो आपने क्या यूज किया कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली तो तीसरा वर्टेक्स होगा वो कहां पर होगा? तीसरा वर्टेक्स होगा अलोंग द वाई एक्सिस। कैसे?
कैसे पता चला कि तीसरा वर्टेक्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस होगा? बोलते रहो, क्योंकि वाई एक्सिस का इस बेस से एंगल 60 डिग्री है, ये हम फिगर आउट कर चुके हैं। अब तीसरा वर्टेक्स अगर अलॉन्ग द वाई एक्सिस होगा तो कितना ओ पी, ये वाला पॉइंट तीसरा वर्टेक्स होगा ओ पी, तो ओ पी और ओ ए का लेंथ इक्वल है, ये लेंथ 2√3 है, ये 2√3 हो गया। अब ये हो गया तो इस स्ट्रेट पे आपको ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब ये वाला इतना काम तो हो गया। अब आते हैं आगे, तीसरा वर्टेक्स से नीचे भी हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी के कॉन्ग्रूमेंट एक ट्राइंगल नीचे भी बन सकता है, और कॉन्ग्रूमेंट होगा तो इससे एक बात ये भी क्लियर है कि ये पैरेललोग्राम बनेगा, और पैरेललोग्राम का तीन वर्टिसेस नोन है, तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए हमारे कोड आता है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप यू एग्री, फोर्थ वर्टेक्स पैरेललोग्राम का कैसे निकलता है निकाल लो फटाफट से। फोर्थ वर्टेक्स निकाल लो बेटा फटाफट जल्दी से बोलो। तो ये जीरो, ये वाला आ गया 0,2√3, ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 + 3 - 0, ये तो 3 ही आएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 + √3 - 2√3 - √3 आएगा, ये तीसरा हो गया। तो थर्ड वर्टेक्स के तीन कोऑर्डिनेट आया, एक आ गया 0,2√3, और तीसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा 0, सॉरी 3, -√3। आप मुझे बता दो सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब आ जाओ 20th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20th जो आपने पूछा, इसी सेम एक्सरसाइज का वो भी देख लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 4, 0, 1, 1, 3, a, b, 2 यूनिट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्यों पूछा बेटे, ये समझ में नहीं आया मुझे, ये क्वेश्चन में तो कुछ खास दम नहीं है। हाँ? रितेश, तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा बेटा, डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन? 20th क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो एरिया का तो सीधे फार्मूला यूज करना, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। लो मैं कर देता हूं हाफ, बिकॉज थर्ड वर्टेक्स का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट अननोन है, इसलिए हम मॉड यूज करेंगे। इट इज गिवन एस 2 यूनिट, यहां से आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ 4 + a + 0 - 4a + 3 = 4, एंड देयरफॉर यहां पर जो आएगा 4 - 3 = 1, 1 - 3a mod = 4, तो 3a - 1 का mod is equal to 4, तो 3a - 1 is either 4 or -4, एंड देयरफॉर 3a gets value 5 or -3, एंड देयरफॉर a gets value 5/3 or -1। तो दिस इज द वैल्यूज ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 20 था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोल दो, और क्लियर हो गया तो भी बता दो। क्लियर है जी? डन? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एंड 24 भी पूछा जा रहा है कुछ बच्चों के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 किसका डाउट था, एक सेकेंड, प्रणत 18 नहीं हुआ तुमसे? चलो 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़ लो जरा एक बार।
थ्री कॉमा फोर एक पॉइंट है, बी इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन मॉड एक्स इक्वल टू सिक्स। मॉड एक्स इक्वल टू सिक्स का मतलब है कि एक्स इज आइदर माइनस सिक्स या प्लस सिक्स, एक्स या तो प्लस सिक्स है या तो माइनस सिक्स है। तो अगर मैं ऐसे वाई एक्सिस बोलता हूं और ये एक्स एक्सिस बोलता हूं, तो एक्स इक्वल सिक्स एक लाइन होगी कोई, और एक्स इक्वल माइनस सिक्स भी एक लाइन होगी। अब वो दोनों लाइंस ड्रॉ कर दो तो तुम्हारा ये दो लाइंस की बात हो गई, ये हो गई एक्स इक्वल टू थ्री सिक्स लाइन मान लो, और ये हो गई एक्स इक्वल माइनस सिक्स लाइन। एनीवे आगे क्या बोला गया कि एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये सिक्स जीरो हो गया और ये माइनस सिक्स कॉमा जीरो पॉइंट हो गया, ये दिस इज ओरिजिन। फिर बोला गया कि ए इज थ्री कॉमा फोर, थ्री इसका मिड पॉइंट हुआ और ये हुआ थ्री, ये हो गया फोर, थ्री कॉमा फोर इज समवेयर एट यहां पर, ए पॉइंट है, थ्री कॉमा फोर इसका कोऑर्डिनेट है। ओके अच्छा रिंग मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ये फोर यूनिट है और ये डिस्टेंस थ्री यूनिट है, ये वाली डिस्टेंस थ्री यूनिट है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो फाइव यूनिट है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइव यूनिट है, ये डिस्टेंस फाइव है। इन्होंने बोला कि बी इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दीज टू लाइन, इस लाइन पर ये एक्स इक्वल टू सिक्स लाइन है और एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स लाइन है, इन दोनों लाइन पर कुछ पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, बी यहां भी लाई करेगा एक्स इक्वल टू सिक्स पर और एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स पर भी हो सकता है ना, सच दैट ए बी इज लेस देन इक्वल टू फोर। तो अगर मैं ये चार यूनिट देख रहा हूं, ये चार ए सेंटर लेके बी मतलब ए सेंटर लेके चार यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूं, तो उसी सर्कल के अंदर ये देख रहा, ये थ्री है, दिस इज थ्री एंड दिस इज ऑल्सो थ्री। अगर ये थ्री है तो ये थ्री है तो फोर यूनिट का सर्कल ऐसे इसको कट करेगा यहां पर ऐसे, ये तो सिक्स है तो इसको तो मीट नहीं करने वाला है, तो यहां से और यहां पर ये थ्री है तो फोर यूनिट का सर्कल इसको भी कट करेगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा। ये सर्कल का रेडियस अगर फोर है तो हमें वो पॉइंट्स चाहिए इन दोनों लाइंस के जिनका ए से डिस्टेंस चार यूनिट से कम, जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, मान लो ये यहां कट कर रहा है, मान लो यहां कट कर रहा है, तो इसके बीच में कौन कौन से पॉइंट है यही चाहिए, क्योंकि इधर वाले लाइन पर कुछ होगा ना, तो हमें ये चाहिए कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ, ये चार है ये तीन है तो ये कितना होगा ये बताओ, जितना ये होगा एग्जैक्टली, क्योंकि परपेंडिकुलर ये कॉर्ड है सर्कल की, तो ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये और ये लेंथ इक्वल होगी, तो जितना अबव ये होगा उतना ही बिलो ये होगा, तो हमें अगर ये फोर है ये थ्री है तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, दिस इज रूट ऑफ 16 माइनस 9 रूट 7। अगर ये रूट 7 है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो बेटा, ये कौन सा पॉइंट है, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फोर से तीन यूनिट राइट है, सिक्स कॉमा फोर ये पॉइंट है, सिक्स कॉमा फोर वाई कोऑर्डिनेट फोर है, अब वाई कोऑर्डिनेट फोर से रूट सेवन, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हुआ वो हुआ सिक्स कॉमा फोर प्लस रूट सेवन, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ सिक्स कॉमा फोर माइनस रूट सेवन, तो जो पॉइंट इस पर लाइन करेंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो द पॉइंट लाइन इनसाइड सर्कल, इनसाइड ऑब्लिक ऑन सर्कल ऑफ द टाइप सिक्स कॉमा वाई, तो वाई शैल लाई बिटवीन फोर माइनस रूट सेवन से लेकर फोर प्लस रूट सेवन, बट एंड वाई इंटीजर होना चाहिए,
विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब आप बोलो 4 माइनस रूट 7 से 4 प्लस रूट 7 में कितने इंटीजर्स हैं, काउंट कर लो, बात खत्म हो गई। तो 4 माइनस रूट 7, रूट 7 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग। 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ, 1 पॉइंट समथिंग। मतलब इसमें एक तो y की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 4 प्लस रूट 7, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारी पॉसिबल y की वैल्यूज हैं, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 6 ही होगी, ये तो कंफर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 2 5 है, तो 5 पॉइंट्स विल बी देयर। तो आंसर आ गया 5 पॉइंट्स। If you try to write down the points, then points are 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. 6, 7 का डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा ए से। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर डाउट होगा सिर्फ एंड पॉइंट पर ही होगा। 6, 6 मैंने लिया तो 6, 6 का 3, 4 से डिस्टेंस क्या होगा, 9 प्लस 4 13, रूट 13 4 से लेस होता है ना। ऐसे ही इसका भी आगे क्लियर है जी। अभी बताओ मिस्टर प्रणत। ओके जी, 18th के बाद अगला 18th हो गया तुम्हारा, 20th हो गया, फिर 24th क्वेश्चन आपने बोला, 24th देख लो, 24th भी एक बार देख लो जी। 24th क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, मतलब सॉल्व किया नहीं हुआ, या समझ ही नहीं आया कैसे करना है। ये है 24th क्वेश्चन। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, वैसे क्लास में कराया हुआ था। इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव रैशनल कोऑर्डिनेट्स, देन शो दैट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट इरेशनल। समझ नहीं आया, ऐसा तो यार मत बोलो कि समझ में नहीं आया, ऐसा इसमें इतनी बड़ी बात तो मैंने बोली नहीं थी कि समझ में ना आए हो, फिर भी देख लो भाई। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं एबीसी, ये मान लो इसके ये कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, और ये एक्स थ्री वाई थ्री है। हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। गिवन है कि दो कोऑर्डिनेट रैशनल पॉइंट्स है, मतलब एक्स वन x2 y1 y2 आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो ये साइड की लेंथ होगी, ऐसे मान लो इसको मैंने a लिख दिया, इसको c लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो लेंथ है, ये साइड की लेंथ, ये लेंथ ए मान लो, तो ए क्या है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर होता है, उसका स्क्वायर भी रैशनल होता है, तो ये दो रैशनल का सम भी रैशनल होता है, इट्स अ रैशनल नंबर। एंड देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया एरिया होती है 3√3/4 ए स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला याद होगा, हालांकि उस जब मैंने क्लास में कराया था तो ये प्रूफ भी किया था मैंने। तो ए स्क्वायर रैशनल है, तो ये आ गया तुम्हारा 3 a² / 4 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो ये वाली क्वांटिटी रैशनल है इंटू √3, ये इरेशनल है, इज इरेशनल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, एरिया ये रैशनल है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। और हमें क्या प्रूफ करना है पहले बताओ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इफ टू वर्टिसेस, मान लिया हमने दो वर्टिसेस इरेशनल कोऑर्डिनेट्स के, इफ टू वर्टिसेस हैव रैशनल कोऑर्डिनेट देन शो दैट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। हमने बोला लेट द थर्ड वर्टेक्स has rational coordinate, rational coordinates,
ये हमने मान लिया, मतलब दैट इज हमने मान लिया कि एक्स 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 थ्री वाई थ्री ये दोनों क्या है, रैशनल है, ये एज्यूम कर लिया। ये एज्यूम जैसे हमने एज्यूम किया कि थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रैशनल है, तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी 1/2 टाइम्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स वन वाई वन। और ये क्वांटिटी अगर ये सारे रैशनल नंबर्स हैं तो रैशनल इनटू रैशनल, रैशनल इनटू रैशनल, रैशनल इनटू रैशनल, रैशनल्स का सम रैशनल माइनस रैशनल इनटू रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल माइनस रैशनल, इट इज अ रैशनल नंबर। तो एरिया एक्चुअली है इरेशनल, लेकिन जैसे हमने ज़ूम किया कि थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रैशनल है, तो इस स्टेयर फॉर्मूले से एरिया क्या रही, एरिया एक रैशनल नंबर आ रही है, विच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि एरिया तो इरेशनल आनी चाहिए थी। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये गलत है मतलब क्या हुआ, ये गलत है मतलब है कि ये जो एज्यूम किया हमने ये गलत है। तो थर्ड वर्टेक्स के दोनों कोऑर्डिनेट हमने रैशनल एज्यूम किए तो गलत है, तो हमारा क्या सही है, तो ये सही होगा। देयरफॉर एक्स थ्री वाई थ्री बोथ कैन नॉट बी, कांट बी रैशनल, एक्स थ्री और वाई थ्री में कम से कम एक इरेशनल होना चाहिए, दोनों रैशनल नहीं हो सकते। वो क्या प्रूव करेंगे? ठीक है जी, 24th हो गया, तो ये थर्ड गेम के डाउट्स हो गए। तो अब आते हैं गेम फोर। गेम फोर में 17, 7, 17 एंड 18 ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, रितेश ने पूछा है। इसके अलावा और बाकी लोगों के डाउट नहीं, निशा गेम फोर में कोई डाउट नहीं है? गेम फोर में क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, 7 तो बोला गया। अच्छा, गेम फोर्थ में क्या है ना कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि डिटरमिनेंट सभी नहीं जानते हो, इसलिए ये सब कुछ कुछ एरिया की प्रॉब्लम में आपको थोड़ी ट्रबल आ सकती है, कोई बात नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। डिटरमिनेंट कर लेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, और अदरवाइज आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर एरिया निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, डेल्टा 1/2 टाइम्स ए टी वन स्क्वायर 2a t1, ए टी टू स्क्वायर 2a t2, ए टी थ्री स्क्वायर 2a t3 एंड ए टी वन स्क्वायर 2a t1, ये आया आपका, ये निकालना। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ए जब जितने भी टर्म मल्टीप्लाई में सब ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ टाइम्स है ना मॉड ऑफ, चलो बोलते जाओ, ए टी वन स्क्वायर 2a² टी वन स्क्वायर टी टू, टू ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी टू प्लस टू ए स्क्वायर टी टू स्क्वायर टी थ्री, टू ए स्क्वायर टी टू स्क्वायर टी थ्री प्लस टू ए स्क्वायर टी थ्री स्क्वायर टी वन, ये आ गया माइनस, माइनस में जो क्वांटिटी आएगी वो उल्टा चल रहा है, टू ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी थ्री, टू ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी थ्री प्लस टू ए स्क्वायर टी थ्री स्क्वायर टी टू, टी थ्री स्क्वायर टी टू प्लस टू ए स्क्वायर
टी टू स्क्वायर टी वन, टी टू स्क्वायर टी वन, ये आ गया तुम्हारा। ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें जरा देखो तो पहली बात तो टू ए स्क्वायर तो सीधे ही कॉमन है, टी वन स्क्वायर टी टू, टी टू स्क्वायर टी थ्री स्क्वायर टी वन। इसमें भी अगर देखो तो टी वन टी टू टी थ्री, चलो वो नाम भी कॉमन है, तो हम इसको सिर्फ टू ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दो थ्रू आउट। तो बाहर में हाफ है और टू ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आ गया, हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा देखो, यहां पर टी वन स्क्वायर टी टू और यहां पर है टी वन स्क्वायर टी थ्री। इधर देखो, इधर इसको इसके साथ अगर लेंगे तो आएगा टी वन स्क्वायर टी टू माइनस टी थ्री, इसके इसके साथ ऐसे। यहां पर टी टू स्क्वायर टी थ्री और टी थ्री स्क्वायर टी टू, टी टू स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी थ्री है। एनीवे इसको ऐसे नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से क्लब करते हैं। नहीं करी है तो अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ जी, फर्स्ट को हम लास्ट से करें, टी वन स्क्वायर टी टू, टी वन टी टू कॉमन लेकर के, तो यहाँ आ जाएगा टी वन माइनस टी टू, ठीक है। तो टी वन टी टू इंटू टी वन माइनस टी टू प्लस टी टू टी थ्री यहाँ है और टी टू टी थ्री यहाँ है, तो टी टू टी थ्री इंटू टी टू माइनस टी थ्री, टी टू माइनस टी थ्री एंड प्लस टी थ्री टी वन, टी थ्री टी वन, टी थ्री माइनस टी वन, ये आ गया आपका क्या एरिया। अब इसको अगर और भी सिंपल करना चाहते हो तो टी वन टी टू टी थ्री कॉमन ले लोगे, टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री कॉमन ले लो तो ऐसा आ जाएगा, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स टी वन टी टू टी थ्री कॉमन, एंड देयरफॉर यू विल गेट टी वन माइनस टी टू बाई टी थ्री प्लस टी टू माइनस टी थ्री बाई टी वन प्लस टी थ्री माइनस टी वन बाई टी टू। तो टी वन बाई टी वन बाई टी थ्री, टी टू बाई टी थ्री, टी टू बाई टी वन, टी थ्री बाई टी टू, बस ठीक है, सिमेट्रिक है ये आंसर। ये सेवेंथ क्वेश्चन है, बट डिटरमिनेंट से करेंगे मैंने बोला, तो और भी आसानी से डिटरमिनेंट से करते हैं। तो उसमें होता ये है कि वन बाई टू बाहर लिख करके ऐसे लिखा ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन एंड वन, ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू एंड वन, ए टी थ्री स्क्वायर टू ए टी थ्री एंड वन, देन देर आर प्रॉपर्टीज दैट यू कैन टेक ए कॉमन फ्रॉम हेयर टू ए फ्रॉम हेयर, तो आ जाएगा टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को सीधे बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी वन स्क्वायर टी वन वन, टी टू स्क्वायर टी टू वन, टी थ्री स्क्वायर टी थ्री वन। देन देर आर प्रॉपर्टीज, रो रिडक्शन प्रॉपर्टीज है कि आर टू रो सेकेंड रो को सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, आर टू रिप्लेस बाय आर टू माइनस आर वन कर दो, ऐसे आर थ्री रिप्लेस बाय आर थ्री माइनस आर वन, ये प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की। तो वो करेंगे ना तो अपने आप दो जगह जीरोस बन जाएंगे, इसे ए स्क्वायर टाइम्स, ये पहले रो को मैंने चेंज नहीं किया, टी वन स्क्वायर टी वन वन, यहां पर आ जाएगा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, यहाँ जीरो, ऐसे यहां पर टी थ्री स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, ये टी थ्री माइनस टी वन, यहाँ जीरो, फिर यहां से टी टू माइनस टी थ्री कॉमन आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन, यहां से टी थ्री माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन कॉमन आ जाएगा, यहां से टी थ्री माइनस टी वन कॉमन आ जाएगा, एंड देन ये बन जाएगा तुम्हारा टी वन स्क्वायर टी वन वन, यहां पर टी टू प्लस टी वन, यहां पर वन, यहां पर जीरो,
यहाँ पर T3 प्लस T1 एंड वन जीरो, फिर ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना दिस थर्ड रो से, तो दिस माइनस दिस करके T2 माइनस T3, ये आंसर आएगा ऐसा, ए स्क्वायर टाइम्स T2 माइनस T1 इंटू T3 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T3, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, ऐसा करके मॉड, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है बेसिकली ये वाले एक्सप्रेशन के सिंप्लीफाई करके ऐसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है तो, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, जब आप डिटरमिनेंट कर लेंगे उसके बाद आराम से कर जाना। तो 7th के बाद कौन सा क्वेश्चन था, 17th, 17th एंड 18th। सेवनटीन क्वेश्चन देखो, अच्छा नहीं 17 है, 18 अभी नहीं करो बेटा, ये मैंने मना किया हुआ था अभी तो, बट चलो सेंट्रॉइड की प्रॉब्लम अगर आप कर गए हैं तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये है ना 17 क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। तो सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा के बारे में दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3ax² प्लस 3bx माइनस 2 = 0, इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। तो रूट्स का कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट, ये होता है माइनस ऑफ माइनस 3a/1, सेकेंड डिग्री, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट बाई हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, तो आता है 3a, एक इक्वेशन यहाँ जाएगा। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो के प्रोडक्ट का सम ये हो जाएगा 3b, एंड तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ माइनस 2, 2 आ जाएगा। ये आपका तीन इक्वेशन आ जाएंगे। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई 3, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाई 3। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3a, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर मतलब 9a² माइनस 2 टाइम्स 3b डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये सिंप्लीफाई होकर के देखो तो क्या आ रहा है, 6a² 3a² माइनस 2b, ये आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो होगा वो अगर कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में सिंप्लीफाई कर लो 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा प्लस 2 बाय गामा बाई 3, वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 बाय 3। एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू 3b, तो 2 बाय 3 × 3b/ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 2 है, आंसर आ जाएगा ये बी। तो सेंट्रॉइड जो तुम्हारा फाइनली आया उसके कोऑर्डिनेट आया 3a² माइनस ट्वाइस ऑफ b, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इफ अल्फा बीटा गामा रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो फटाफट।
ऐसे एक 18th क्वेश्चन आपने पूछा है, तो 18th भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, बट जब सेंट्रल में कराऊंगा तो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत। 18th क्वेश्चन देखो, 18th। ये बोला कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाई ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो अल्फा एक्स इंटू वाई, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई कोऑर्डिनेट वन होना चाहिए, दैट इज एक्स एंड वाई आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड देयरफॉर पॉइंट्स आर अल्फा कॉमा वन बाई अल्फा, बीटा कॉमा वन बाई बीटा, गामा कॉमा वन ओवर गामा। These are the respective points, coordinates of A, B and C, such that alpha beta root of this equation, तो x square minus 3px plus 20, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा इसके रूट हैं। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 3p एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 2। अब ये इक्वेशन लिखते जाओ एग्जैक्टली इसी तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा। तो जैसे आपने यहां किया ऐसे यहां क्या बोलोगे आप बताओ? अगर गामा डेल्टा रूट्स हैं तो गामा और डेल्टा में क्या रिलेशन है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो फटाफट। तो सम ऑफ रूट गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 4। ये थर्ड इक्वेशन आ गया, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर माइनस 2 RX प्लस 8, इसके रूट दिए हुए हैं डेल्टा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये गामा एंड अल्फा होना चाहिए बेटा, गामा अल्फा इसके रूट हैं, गामा एंड अल्फा। तो यहां से गामा और अल्फा का सम क्या है? 2 R, और ये गामा है, गामा और ये R है, थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, 2 R एंड गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 8। तो दीज आर दी सिक्स इक्वेशंस, और ये छह इक्वेशंस हैं, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालना है और साथ के साथ वैल्यूज निकालनी है पी की, क्यू की, आर की। पी क्यू आर की वैल्यूज क्या होंगी और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब देखो जिस दिन से बात है कि अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर, तो दो चीजें तो मुझे क्लियर दिख रही हैं, जो नोन इक्वेशंस है उन पर ध्यान दो। इनसे हम तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन से, सेकेंड इक्वेशन इंटू फोर्थ इक्वेशन इंटू सिक्स्थ इक्वेशन, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा बीटा गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। तो यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू या तो 8 आएगी और या तो -8 आएगी, दो पॉसिबिलिटी, ये -8 वाली भी पॉसिबिलिटी है, बट एट ए टाइम हम किसी एक को लेके सॉल्व करेंगे, हम 8 को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ये उसके बाद सॉल्व करेंगे, मतलब ये आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, जब एक में करके दिखा दूंगा दूसरा पार्ट अपने आप कर लेना। अल्फा बीटा गामा 8 है बट अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट 2 है, तो यहां से आया कि गामा की वैल्यू 4 हो गई और गामा डेल्टा 4 है, गामा डेल्टा 4 है, गामा
अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं बेटा, बीटा गामा था, आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं यार, तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। बीटा गामा और गामा अल्फा ऐसा था, गामा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। तो गामा, गामा बीटा का प्रोडक्ट 4 है, तो अल्फा आ गया, अल्फा 2 आ गया, और गामा अल्फा 8 है तो बीटा 1 आ गया। इसी तरह से इधर से निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, जैसे अल्फा बीटा 2 देते हैं तो गामा -4 आ जाएगा, यहां पर अल्फा -2 आ जाएगा, बीटा जैसे यहां पर 1 आया बीटा -1 आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। अब हम किसी एक आंसर को प्रेडिक्ट करें, इस आंसर से अल्फा बीटा गामा आ गया तो हमें और क्या निकालना, पी। तो ऑब्वियसली बताते जाओ फटाफट, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर बोलो, व्हाट इज पी? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का सम 3 है, 3p इज 3, तो p इज 1, क्यों? अल्फा प्लस बीटा इज क्यू, अल्फा प्लस बीटा 3, क्यू इज इक्वल टू 3, एंड आर गामा प्लस अल्फा बाई 2, गामा और अल्फा का 4 प्लस 2 6 बाई 2 इज 3, आर इज 3। एंड सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 कॉमा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा बाई 3, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्लियर दिख रहा है, 6 7 7 बाई 3 कॉमा 1 बाई अल्फा इज 1 बाई 2 1 बाई बीटा इज 1 बाई 1 1 बाई गामा इज 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, एंड यू गेट द आंसर। ऐसे सेकंड पार्ट कर लेना, क्लियर है? 18th क्वेश्चन हो गया कि नहीं ये बताओ, सभी लोग का डन। और कोई डाउट बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो अब इसमें क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा समराइज कर दिया था कॉन्सेप्ट के साथ में, बाकी सब कुछ तो सिमिलर ही है। हाँ जी, अब बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट डाउट। किसी को कुछ पूछना है कि मैं क्वेश्चन कराऊं आपको बैठ करके यहीं पर? लोग बताते नहीं हो ना ऐसे, अब गेम 9 AP GP के डाउट हैं, कभी आप एक डाउट पूछोगे कभी दूसरे के डाउट, तो पहले से आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना, अब इसी में मिक्स कर देंगे तो वो भी प्रॉब्लम होगी। चलो ले लेते हैं, पर बट पहले इसको बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? गेम 5 तो करना नहीं था, गेम 6 6 में कोई डाउट? स्ट्रेट लाइन के गेम में कोई डाउट? तो ये हालत रहेगा तो कल की क्लास में क्या करेंगे? कल मैं क्लास ही भी नहीं रखूंगा, कोई फायदा नहीं है जब आपको कोई डाउट ही नहीं। तो चलो ठीक है, फिर गेम 9 में प्रोग्रेशंस के डाउट ले रहा हूं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ओके। तो ऐसा करते हैं, पहले एक सेकंड, लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, वी हैव टाइम ब्रो, ठीक है। तो प्रोग्रेशन के डाउट भी ले सकते हैं, प्रोग्रेशन के कितने डाउट हैं जरा शेयर करो, तो एक दो डाउट होंगे तो नहीं, ज्यादा डाउट होंगे तो कल टेकअप करेंगे उसको। कितने डाउट हैं प्रोग्रेशन के, निशा बोलो।
ज्यादा है। चलो फिर तब डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा मतलब कितने हैं जाते हैं भाई? तो ऐसा करते हैं कल की क्लास में डिस्कस करते हैं कल, आज थोड़ा इसी पे और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये लोग कुछ क्वेश्चंस करो। हाँ जी, चलिए शुरू हो जाए फटाफट, करिए क्वेश्चन करिए। ये टेक्सुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, फटाफट करिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0 1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट, द ऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट इज -3 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 5 द एब्सिस ऑफ द अनदर पॉइंट इज क्विक। हर क्वेश्चन के लिए वो 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट में निकालते जाना आपको। चलो टेस्ट कंडीशन हो गई एक तरह से, जल्दी आंसर करें क्विक। पॉइंट एंड कार्डिनल सिस्टम की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 1 है, दूसरे का एप्सिसा -3 है, तो 0 + 3 का होल स्क्वायर 1 - y का होल स्क्वायर। ऑर्डिनेट दिया हुआ, ऑर्डिनेट 0 - x का होल स्क्वायर ऐसा करना पड़ेगा आपको, एंड 1 - -3, 1 + 3 का होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 5। आगे आंसर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू +-3। वेल डन। चलो जी एक क्वेश्चन देखो, फटाफट हो गया। तो ये सब करने में कितना टाइम लगता है यार? एक सेटिंग में बैठो, 15 क्वेश्चन आज टेस्ट कर जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलो। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वेयर इज ओरिजिन एंड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वेयर कोइंसाइड विद द पॉजिटिव एक्सिस। इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर देन विच विल नॉट बी द वन ऑफ द वर्टेक्स। एक वर्टेक्स ओरिजिन है, एडजेसेंट साइड्स कोइंसाइड विद दी पॉजिटिव एक्सिस, लेंथ ऑफ साइड इज 5, तो एक कोऑर्डिनेट 5 0 हो गया, एक हो गया 0 5 हो गया, और एक हो गया 5 5 हो गया। ये तो 0 0 दिया ही हुआ था, तो इसमें बोला कि कौन सा नहीं, 0 5 होगा, 5 0 भी हो सकता है और 5 - 5 भी हो सकता है। -5 - -5 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, ये वर्टेक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तो पॉजिटिव साइड में फॉर्म। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? y0। वेल
फोर्थ और फिफ्थ जल्दी आंसर करो। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर इज 8 डिनेज। थर्टी सेकेंड में आंसर करना चाहिए आपको इसमें हर एक क्वेश्चन को। ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू, टू माइनस फोर तो माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ए माइनस थ्री का मॉड इज इक्वल टू रूट 60। रूट 60 मतलब 2 रूट 15। तो ए माइनस थ्री की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 15 है। ए विल बी 3 प्लस 2 रूट 15 और 3 माइनस 2 रूट 15। देन ए इज 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 इज द आंसर। तो तुम्हारा आंसर हो गया डी। पांचवे का भी आंसर कर लीजिए जल्दी से। तो ग्रेट, एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट दिया होगा, मतलब एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है तो मतलब है दैट इज पॉइंट हमारा एक्स कॉमा एक्स हो गया। अब एक्स कॉमा एक्स का डिस्टेंस तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर का रूट। यहां से आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल गेट कैंसिल एंड देयरफॉर आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई है ना, एक्स इक्वल टू वाई है तो ऑब्वियसली आ जाएगा तुम्हारा माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। तो यहां से 4x is equal to 8, तो x equal to 2, x equal to 2 आ गया तो पॉइंट आ गया 2,2, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारे। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं और आपने किए नहीं इन सब क्वेश्चन को, कितना डिसहार्टनिंग है ना। एनीवे चलो कुछ इसमें से अब सभी क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं। सेवेंथ करके बता सकते हो? सेवेंथ सेवेंथ का आंसर बोलो। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बोलो। आया कोई? अरे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाया होगा, ए एम वन स्क्वायर माइनस ए एम टू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2am1 माइनस 2am2 का होल स्क्वायर, यही था।
तो यहां से आपके पास जो आएगा वो ए तो कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर हो गया, एम वन स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब एम वन माइनस एम टू होल स्क्वायर इंटू एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर, क्योंकि एम वन स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर को फैक्टर कर दिया है, एम ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फैक्टराइजेशन, एम वन माइनस एम टू इंटू एम वन प्लस एम टू पूरे का होल स्क्वायर था, तो आपको पता ही है कि एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहां पर टू ए बाहर आया तो फोर ए स्क्वायर और एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर, एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर। अब देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया तुम्हारा रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर। फिर बचा क्या, एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, तो ये आ गया तुम्हारा मॉड ऑफ ए इंटू एम वन माइनस एम टू स्क्वायर रूट ऑफ एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, दिस इज द आंसर। अगर ए पॉजिटिव है और एम वन एम टू से बड़ा है तो ऑब्वियसली इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना, आंसर तो कोई भी करेक्ट नहीं है, मॉड लगना चाहिए, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर बोला जाए तो ए एम वन माइनस एम टू इंटू दिस, ये वाला ए ऑप्शन है, तो सेवेंथ का ए आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो एक आध क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। जीरो जीरो दिस एंड दिस बी द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ए बी इज, यही करके बता दो। चलो चलो ये दोनों क्वेश्चन करके बताओ, तो देखें तो एट्थ एंड नाइन्थ करिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर एट और नाइन फटाफट करिए तो जरा, तो एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन के लिए आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट्स वर्कआउट। बेटा एट्थ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वैसा ही है ना जैसा अभी एक क्वेश्चन करके बताया, इजंट इट? क्यों भाई, एट्थ क्वेश्चन किसका इसका हो गया? लिशा तुम्हारा हुआ एट्थ क्वेश्चन के नहीं? अरे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जी, हाँ गुड। जीरो जीरो और टू कॉमा टू रूट थ्री, टू कॉमा टू रूट थ्री मतलब ऐसा 60 डिग्री पर ऐसे ऐसे पॉइंट है, एक तो जीरो जीरो है और एक दे दिया टू कॉमा टू रूट थ्री, टू कॉमा टू रूट थ्री, तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये एंगल 60 डिग्री हो गया, देख लो, क्योंकि ये टू है और ये टू रूट थ्री है, तो टेन थीटा इज रूट थ्री, तो थीटा इज 60 डिग्री। अच्छा अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया और एक साइड ये है, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका ये साइड एक साइड तो इसके अलावा होगा, एक्स एक्सिस के अलावा, तो एक्स एक्सिस पर ही वर्टेक्स होगा, तो ये टू है तो इतना ही आगे टू फोर जीरो, तो एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया ये। और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ऐसे एक दूसरा तीसरा वर्टेक्स का पॉसिबिलिटी भी एक और है, वो भी निकल आएगी, अगर हम लिखना चाहें तो वो वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, कौन सा, ये वाला, ये वर्टेक्स क्या होगा, तो जीरो प्लस टू माइनस फोर इज माइनस टू, ऑब्वियसली ये टू होगा तो माइनस टू और टू रूट थ्री, तो आपके पास जो आंसर है वो थर्ड वर्टेक्स
मे बी 4.0 और -2.2√3। तो ऑब्वियसली ऑप्शन में जो तुम्हारा था वो हम मार्क कर देंगे। ऑप्शन में क्या था? 4.0 था सी। ऐसे नाइन्थ क्वेश्चन कर लो, खत्म करो। ये कौन सा क्वेश्चन था जो अभी आपने किया? ये क्वेश्चन नंबर 8 था, नाइन्थ का। ग्रेट। तो देखो मैंने सिर्फ इसलिए आज इनिशिएट करवा दिया टेक्सचुअल एक्सरसाइज को कि आपके सामने देखो हार्डली हमने 15 मिनट लगाए और शुरू के 9-10 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप एक घंटे लगाएंगे ना तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो जाएगी, 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो नाइन्थ क्वेश्चन पे थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर मतलब ए आ गया बाहर, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स मतलब मॉड ए टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा 1 तो 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा तो कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब 2 भी बाहर आ गया, 2 मॉड ए रूट 2 मॉड ए रादर, या अभी मत करना, 2 बाहर मत लो अंदर ही रहने दो। इट इज इक्वल टू मॉड ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। 1 कॉस के साथ 1 माइनस या प्लस होता, हाफ एंगल में ले जाओ, हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी रिड्यूस्ड एज 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर हाफ एंगल अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सो 2 इंटू 2 4 का बाहर आ गया 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 2 ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ए पॉजिटिव है तो आप मॉड हटा के ए भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। अब देखो जो जो करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले से कि ये 9th क्वेश्चन हो गया ना। अब इधर ये जितने भी क्वेश्चन है ये 15 16 17 जितने भी हैं कितने हैं आपको देखो, देर आर अराउंड 35 या 36 क्वेश्चन होंगे टोटल। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में 22 है, फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में जाओ तो इसमें भी लगभग ऐसे ही 22 क्वेश्चंस है। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 तो 1 एंड 2 कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है जी, 1 एंड 2 कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए जो होमवर्क है कल की क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा है ना। ट्यूसडे T1 एंड T2 के डाउट्स एंड प्रोग्रेशन के गेम्स के डाउट पहले मैं प्रोग्रेशन की गेम्स करूंगा डिस्कस, ये डिस्कस करूंगा। तो प्रोग्रेशन के गेम्स के जितने भी क्वेश्चन है आप शेयर कर देंगे, अभी आज ही शेयर कर दो मुझे सो दैट मुझे पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन है। अगर ये सफिशियंट है पूरी क्लास में, अगर इन्हीं इसी में निकल जाएगी तब मैं इसको नहीं करूंगा, इसको वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर इवेंचुअली आप नहीं करेंगे तो वेडनेसडे की क्लास में मैं फिर कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा
कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा कुछ भी, जैसे कि हो सकता है कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दूं, तो आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के इसको करते जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्लास को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अलीशा एंड यशस्वी, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं बेटा, अभी क्लास में ये क्लास खत्म होते ही तुरंत शेयर कर दो, लेट मी सी कि क्या क्या डाउट हैं आपके प्रोग्रेशंस के। ओके, सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, राइट। ओके।